हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। और आप लोग कैसे हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत से जो गर्ल्स होती हैं, मतलब मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, तो उनके जो लिप्स होते हैं वो ब्लैक रहते हैं, मतलब या तो कभी शुरू से ही उनके ब्लैक होते हैं या फिर वो कभी बाद में ब्लैक हो जाया करते हैं। तो आज मैं उसी के लिए आपको एक स्क्रब भी बताऊंगी। और लिप बाम बहुत सारे आते हैं, बहुत तरीके के लिप बाम है, बहुत सारी कंपनियों के लिप बाम आते हैं, तो आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आगे इससे अगर आप लोग के भी अगर इस तरह के लिप्स हैं, मतलब कलर आपका ब्लैक हो रखा है लिप्स का, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो प्लीज़ पहले सबसे पहले आप लाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियो को और शेयर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो भी नए आए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब के लिए रेड बटन होता है, तो उसको सब्सक्राइब करना है। उसके बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर लीजिएगा। जैसे ही आप नया वीडियो जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो वो आपके पास पहुँच जाएगा और आप उसको भी देख पाएंगे, अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो। और बिल्कुल देखिए, सारे वीडियोस बहुत ही इस तरह के बनाती हूँ मैं कि आप लोगों को हेल्पफुल तो रहेंगे आपके लिए। तो मैंने फ्रेंड्स लिप्स पर अपने कुछ भी नहीं अप्लाई किया है। और मैं आपको बता देती हूँ कि लिप बाम बहुत तरह के आते हैं, स्क्रब भी आपको मिल जाएंगे। अगर मैं दोनों के लिए ही बता रही हूँ, मेल हो फीमेल हो, स्क्रब दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। आप होममेड भी स्क्रब बना सकते हो, आप मार्केट से भी ले सकते हो, आप जहाँ रहते हैं लोकल मार्केट से आप वहाँ से ले सकते हैं, किसी भी तरह का जो भी आपको लेना है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी अच्छी लिप बाम्स रहते हैं जो कि आप ले सकते हो। और लिप बाम भी आते हैं, स्क्रब भी आते हैं। अगर आप नहीं स्क्रब लेना चाहते, मतलब लिप के लिए, तो आप क्या करिए कि आप जो स्क्रब आप फेस पर यूज़ करते हैं तो उसको भी हल्के हाथों से आपको अप्लाई करना है, तो भी आपके लिप्स धीरे धीरे। और जो भी मैं होम रेमेडी बताऊंगी वो आपको रियली रोज़ करनी है। अगर आप हॉस्टल में रहती हैं, आप हॉस्टल में, मतलब हॉस्टल की जो गर्ल्स होती हैं उनको तो ये सारी रेमेडी नहीं बनानी पड़ती क्योंकि वो नहीं बना सकती हैं, हॉस्टल वाली कैसे बनाएंगी। इसलिए तो मैं बता रही हूँ कि आपको लिप बाम भी मार्केट से अच्छे बहुत अच्छे, जैसे अगर आप बाहर जाती हैं धूप में समर्स में, तो आप जो भी लिप बाम लेना उसमें SPF वाला लिप बाम ले सकती हैं, आप स्क्रब ले सकती हैं बहुत अच्छे अच्छे रोज़ वाले स्क्रब लीजिए आप बीट रूट से, आप अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो बीट रूट से भी आप स्क्रबिंग कर सकती हो, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर आपके पास चीनी वैसे और कुछ भी नहीं है आपको, तो लिप बाम या फिर स्क्रब आपको मार्केट से परचेस कर लेना चाहिए और आराम से आप करिए और रोज़ लगाएंगे हल्के से, बस 2 मिनट्स के लिए लिप्स पर आपको रब कर लेना है और उसको क्लीन करके लिप बाम लगा लीजिए। टिंटेड भी आते हैं कुछ लिप बाम्स, कुछ लिप बाम ऐसे भी आते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब ऐसे ही कलर नहीं रहेगा, सिंपल रहेंगे, तो वो नाइट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं हमेशा लिप बाम लगा कर ही रखती हूँ, चाहे विंटर्स हो, मतलब कोई भी सीज़न हो, तो मैं लिप बाम हमेशा लगाती हूँ, तो मेरे लिप्स कभी भी ब्लैक नहीं होते हैं और मैं लिप हमेशा मेरे हाइड्रेट ही रहते हैं लिप्स, और कभी भी मेरे फटते नहीं हैं। किसी किसी के बहुत चैप्ड रहते हैं लिप्स, मतलब वो खाते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ये सब नहीं करना है। कोई भी गर्ल हो, क्योंकि बॉयज़ के बहुत सारे स्क्रब और लिप बाम आते हैं, तो वो लोग भी लिप बाम ले सकते हैं। स्क्रब तो जो गर्ल्स यूज़ करते हैं वो ही यूज़ कर सकते हैं, और लिप बाम मेंस के लिए भी आते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए ही आते हैं। तो नेविया के जो लिप बाम आते हैं आप वो ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि मैं स्क्रब कैसे बना रही हूँ आप लोगों के लिए, और आप उसको रोज़ भी ट्राई कर सकते हो अगर आप घर में रहते हैं तो, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो मार्केट से परचेस कर लीजिएगा। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें रॉ मिल्क लेना है। मैंने रॉ मिल्क लिया है, 1 स्पून से भी कम होगा ये रॉ मिल्क, हल्का सा ही है, मैं थोड़ा ही ले रही हूँ। और उसके बाद मैं ले लूँगी ये बादाम है, ये मैंने आलमंड को ब्लेंडर में मिक्सी के जार में ब्लेंड कर लिया है, और मैं इसको भी थोड़ा ही लूँगी
बस इतना सा थोड़ा सा लूंगी, क्योंकि लिप्स के लिए बनाना है। तो आप इसको, अगर आप घर में रहते हैं तो आप इसको हमेशा बना सकते हो, रोज़ बना सकते हो, और बहुत ही अच्छे होते हैं ये लिप्स बाम। और मैं थोड़े से रोज़ पैटर ले लूंगी, ये मेरे रोज़, अभी समर चल रहा है तो रोज़ ऐसे हो जाते हैं, देखिए किस तरह का रोज़ हो गया है। तो मैं थोड़ा सा क्रश कर लूँगी रोज़ को। अगर आपके पास मिल्क नहीं है, रॉ मिल्क नहीं है, तो आप लेमन के साथ, या फिर आप ग्लिसरिन में, ग्लिसरिन के साथ, या फिर आप क्या कहते हैं, हनी के साथ भी मिक्स करके, आप ऑलिव ऑयल के साथ, आलमंड ऑयल के साथ, मतलब आपको स्क्रब बनाना है, आपके लिप्स को स्क्रब करना है, हाइड्रेट करना है, तो सबसे अच्छी। और देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है फ्रेंड्स, ये देखिए, अभी जब मैं बनाऊंगी, लगाऊंगी ना, तब पता चलेगा आपको। और बिल्कुल लिप्स पे कुछ भी नहीं होना चाहिए अप्लाई, जब भी आप स्क्रब इस तरह करेंगे ना, तो कुछ भी नहीं अप्लाई करना है आपको, बिल्कुल प्लेन होने चाहिए, मतलब साफ होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए आपके लिप्स। आज मेरा फेस पता नहीं कैसा लग रहा है, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ना, कितना भी अच्छे से कुछ कर लीजिए। अब मैंने आज, जैसे मैं कल तैयार हुई थी वैसे ही तैयार हूँ मैं, जो मैं कल किया था मैंने मेकअप उसी तरह से ही लिया है। आज भी इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ मैं, हमेशा इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करके रहती हूँ। तो ये देखिए कलर आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ऐसा पिंकिश हो जाएगा हल्का हल्का। तो आप इस तरह से इसमें, क्योंकि मैंने आलमंड डाला है क्रश वाला, तो आप इस तरह से पहले आप लगा लीजिए, फाइव मिनट्स के लिए आपको ऐसे ही रब करते रहना है, और फाइव मिनट्स के बाद आप टिश्यू पेपर से, वेट टिश्यू पेपर जो होते हैं ना, उससे क्लीन कर लीजिएगा। ये देखिए फाइव मिनट्स तक ऐसे ही रखिए। और अगर आप ये नाइट में कर रहे हैं, तो मैं दोनों के लिए बता रही हूँ, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए, तो आप नाइट में ऐसे ही करके छोड़ दीजिए, निकालिए मत। और अगर आप डे में कर रहे हैं, सुबह में मतलब, या फिर किसी भी समय दिन में, तो आप इसको ऐसे ही लगा कर हटा दीजिए, मतलब दिन में आप क्लीन कर सकते हो, लेकिन अगर नाइट में आप कर रहे हैं स्क्रब, तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी जो लिप्स हैं वो हाइड्रेट भी हो जाएंगे और आपके लिप्स अच्छे भी हो जाएंगे। मैं फाइव मिनट्स ऐसे ही रखती हूँ, फिर मैं आती हूँ आपके पास। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने फाइव मिनट्स इसको रख लिया है, और अब मैं वेट टिश्यू पेपर है ये, और मैं इससे अपने लिप्स को क्लीन कर ले रही हूँ। और आप मेरे लिप्स देख सकते हैं, मेरे लिप्स कितने हाइड्रेट हैं। तो फ्रेंड्स, देख लिया ना आपने कि वो कैसे मैंने यूज़ किया है, और ये बहुत ही सिंपल है। आप, आपके पास अगर रोज़ नहीं है, तो आप सिर्फ आलमंड के साथ भी लगा सकते हो, या फिर आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बीट रूट यूज़ कर सकते हो, या फिर आप जो शुगर होती है, चीनी होती है, वो यूज़ कर सकते हो। मतलब आपको ये है कि स्क्रबिंग आपको करनी है, मतलब रोज़ करनी है। अगर आपके लिप्स ब्लैक हो गए हैं और उनको पिंकिश करना चाहते हैं आप, तो आपको ये रोज़ ही करना पड़ेगा, तब जाके आपके लिप्स बहुत ही ज़्यादा प्लम्प और हाइड्रेट रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे मैसेंजर पे, प्लीज़ मैसेज मत किया करिए, मैसेज पर, यहाँ पर कमेंट करिए मुझे, तो मैं आप लोगों के सारे वीडियो जो आपसे, आपको, आपकी स्किन से रिलेटेड, आपके मतलब कोई भी प्रॉब्लम है आपकी स्किन में, तो मुझे नहीं पता कि अगर आप वहाँ पर सिर्फ लिख मतलब मैसेज कर देंगे, तो मुझे नहीं पता चलेगा। आप मुझे क्लियरली कमेंट करके यूट्यूब पर वीडियो में आकर आप कमेंट करेंगे मुझे कि आपकी इस तरह की स्किन है, आप मुझे इस तरह की स्किन के लिए ये वाली चीज़ बताइए, मेरी स्किन ड्राई है तो मुझे इस तरह की कोई चीज़ बता दीजिए, मेरी स्किन में ये प्रॉब्लम है तो
मैं इस चीज़ के लिए क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो मैं आपको सब सजेस्ट करूँगी। तो प्लीज़ आप मुझे यूट्यूब के वीडियो पर ही, मुझे जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उस पर कमेंट करके बता दीजिएगा। जो जो भी प्रॉब्लम आपकी हो, जिस तरह की प्रॉब्लम, मैं सब सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। और मैं धीरे धीरे सब कुछ धीरे शेयर कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे नहीं पता कि और लोगों को क्या प्रॉब्लम है, जब आप मुझे मैसेज करेंगे मतलब वो कमेंट करेंगे मुझे, तो मुझे पता चलेगा कि आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हो, आप कौन सी क्रीम के बारे में जानना चाहते हो। तो मैं उसका रिव्यू भी करूँगी, और रिव्यू करूँगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ वो आपके लिए अच्छी है या नहीं, वो प्रोडक्ट आपकी स्किन को सूट करेगा या नहीं। आपकी अगर ऑयली स्किन है तो उसके लिए ये वाली क्रीम सूट करेगी, या फिर दूसरी कोई क्रीम। अगर आपकी और बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है ना फ्रेंड्स, तो आप लोग क्या करिए, सब कुछ मत लगाइए। रोज़ रोज़ आप जब भी आप कहीं से बाहर से आते हैं, तो बस आपको फेस क्लीन कर लेना है, और जो एलोवेरा जेल होता है, मतलब कोई भी जेल हो, वो आपको लगा लेना है। चाहे आप पपाया जेल लगाइए, चाहे ऑरेंज जेल लगाइए, चाहे तो कुकम्बर जेल लगाइए, मतलब जेल लगाने हैं। जो लैक्मे का जो एक्वा जेल आता है ना एलोवेरा का, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। और सबसे ज़्यादा मतलब रेंज भी ठीक है उसकी, 200 के करीब आता है, शायद उससे भी कम मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन में कोई चीज़ परचेस करते हैं ऑनलाइन से, तो उसमें कम का ही मिलेगा, क्योंकि उस पर ऑफ चलता रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, तो मुझे यूट्यूब पर ही आकर मुझसे शेयर करिए, और मुझे बताइए कि आप किस तरह के वीडियोस आप लोग देखना चाहते हो, और क्या चीज़ आपको परेशानी क्या है, आपकी आपके लिए क्या हेल्पफुल रहेगा, तो मैं सब कुछ बताऊंगी। और आप किस तरह का मेकअप देखना चाहते हो, और मेकअप में आप लोगों को किस तरह का, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है, मैं उस तरह की भी चीज़ को बताने की कोशिश करूंगी फ्रेंड्स। और बहुत ज़्यादा हैप्पी रहिए, बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखिए अपनी स्किन को, हमेशा वाटर इंटेक करते रहिए, मतलब पीते ही रहिए पानी, क्योंकि समर्स में पानी पीना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 लीटर आपको पानी पीना ही है, चाहे आप हाउसवाइफ हो, आप बॉय हो, गर्ल हो, कहीं से भी आए जाएं, या फिर आप कहीं जा भी रहे हैं, तो अभी अपने साथ एक बॉटल कैरी करिए, पानी की बॉटल आपके पास होनी चाहिए। वाटर बॉटल हमेशा रखनी चाहिए आपको, चाहे वो पानी ठंडा हो या कि चाहे वो गर्म हो जाए, लेकिन आपको पीना है, क्योंकि आपको जब भी आप उसको पियेंगे ना, तो वो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा। आपकी स्किन हाइड्रेट हमेशा रहनी चाहिए, चाहे आप बाहर हो, आप घर में हो, कहीं पर भी हो। और बहुत सी जगह ऐसा होता है, कहीं जा रहे हैं आप तो वहाँ पर पानी नहीं मिलता है, प्रॉब्लम हो जाती है पानी की, तो उस प्रॉब्लम से भी आपको नहीं, उस प्रॉब्लम में आपको फंसना नहीं पड़ेगा, और पानी आप लोगों आपके पास होगा तो आप पी पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है, तो मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि आप मुझे वीडियो में आकर कमेंट करिए, मेरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। मुझे किसी ने कमेंट किया था, मतलब वो बोल रही थी कि उनके लिप्स बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हैं, तो मुझे उनकी प्रॉब्लम नहीं पता कि उनके लिप्स कहाँ से, मतलब पहले से ही ब्लैक हैं या फिर अभी ब्लैक हो गए हैं, मतलब उनके पहले जो जो किसी किसी न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, तो उसके लिप्स तो हमेशा अच्छे ही होते हैं, पिंकिश होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जब बच्चे ग्रो करता है, तब उसके लिप्स के तब 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 भी सही रहते हैं, जब वो 10-15 साल का होता है, उसके बाद से उसके लिप्स का कलर, मतलब उसकी बॉडी का कलर सारा चेंज होता है। तो उसके बाद से चेंज हुआ है उनका लिप्स का, या फिर अभी हो गया है, तो अगर वो अभी हुआ है तो वो सही हो जाएगा, वो ठीक हो सकता है, लेकिन आपका अगर शुरू से ही ऐसा कलर है, तो वो ठीक होना पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर चाहती हैं फिर भी अच्छा हो जाए आपका लिप्स का कलर, तो आप ये फिर भी रेमेडी आप यूज़ करती रहिए। शायद अगर आपकी एज होगी, मतलब अभी आप पढ़ रही हैं, तो आप स्टडी कर रही हैं, तो ज़रूर आपकी एज होगी, और आप इसको यूज़ करती रहिए। जैसे कोई भी, अगर आप ये नहीं बना पाती, आप हॉस्टल में रहती है ना, तो आप मार्केट से परचेस कर लीजिए, या फिर ऑनलाइन से परचेस कर लीजिए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए, आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अपने फैमिली मेम्बर्स के से भी बोलिएगा कि शेयर करें, और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर करिए, और फ्रेंड्स को भी शेयर करवाइए अपने ये मेरे वीडियोस, और उनसे भी कहिए वो मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कर लें। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बहुत जल्दी 1,000 सब्सक्राइबर हो जाएं, तो
तो मैं इसी में लगी रहती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे वीडियोस बना लूँ आप लोगों के लिए, हेल्पफुल बनाऊँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना। और आपने मेरे साथ ये चीज़ शेयर करी ना, मुझसे बोला कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि चलिए फटाफट से आपके लिए ही वीडियो बना देती हूँ, तो इसलिए मैंने बना दिया। तो ऐसे ही आपकी फ्रेंड्स को कोई प्रॉब्लम हो, आपकी फैमिली में कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो, तो वो मुझे बता सकती हैं आप, और मैं उसको जरूर से जरूर ठीक करने की मतलब कोशिश करूंगी, मतलब अपनी तरफ से कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको मैं ठीक कर पाऊँ। चलिए फ्रेंड्स बाय। अगर तो लाइक और शेयर तो कर ही दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री होता है, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब भी बिल्कुल फ्री है, आराम से कर सकते हो। रेड कलर का बटन होता है, उसे सब्सक्राइब करना है। मैं इसलिए बता देती हूँ रेड कलर का बटन होता है, क्योंकि बहुत से लोग मुझे बार बार पूछते हैं कि सब्सक्राइब का बटन कहाँ है, कहाँ पर करूँ मैं सब्सक्राइब, और मुझे रोज़ करना है सब्सक्राइब, और एक बार करना है, तो वो मैं बता देती हूँ कि सब्सक्राइब एक बार ही करना है। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो वो ग्रे कलर का हो रखा होगा वो सब्सक्राइब वाला बटन, और बेल आइकन आ रखा होगा, बेल आइकन आएगा तो बेल आइकन पर भी हिट कर दीजिएगा, जैसे ही भी नया वीडियो अपलोड करूँगी तो वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा उसका। और फ्रेंड्स चलिए इतना ही, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके लिप्स में थोड़ा भी फायदा हुआ या नहीं। अगर नहीं तो मुझे आप अपनी पूरी प्रॉब्लम को बताइएगा, शेयर करिएगा मेरे साथ, तब मैं उसके लिए और कुछ सोल्यूशन निकालूंगी। चलिए फ्रेंड्स बाय।